ना आप बोलिए क्या। मैं इस समय मुंगारी ग्राम सभा में हैं और यहाँ पे प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है। यहाँ पे किसी तरह के अभी तक घटना नहीं घटी है और ये लोग जो है बड़ी मुस्तैदी से अपना निर्वहन कर रहे हैं। उसका आप बोलेंगे सर? ना ठीक है, ठीक है, ड्यूटी चल रही। ले लीजिए जो वोट देने आया ना, ये भाग नहीं, ये ड्राइवर। अच्छा 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 मुंगारी ग्राम सभा में मॉडल बूथ बहुत बढ़िया से सजाया गया है। देखिए जो है इस समय हम ग्राम सभा मुंगारी में हैं और काफ़ी वोट पड़ गया है इन लोगों का। 33% इस समय अभी तक वोट पड़ चुका है। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? यहाँ की व्यवस्था जो है सही ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है? सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सभी अपनी मर्जी से मतदान कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुरेंद्र सिंह, इस समय जो है मुंगारी गांव सभा में हैं और वोट दे के आ गए हैं, अपना मताधिकार का पूरा प्रयोग किए हैं और मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट दिए। सभी लोग शत प्रतिशत मतदान करें, सभी से अनुरोध है कि शत प्रतिशत मतदान करें। जो ग्रामीण परिवेश है उसमें वोटिंग का जो प्रतिशत है, अभी हमने आपको शहर का दिखाया था, शहर के मुकाबले जो है गांव में ज़्यादा उत्साह है। हमारे साथ एक वरिष्ठ मतदाता है, नाम बताइए। इंद्रवली सिंह चौहान। कैसा चल रहा है वोटिंग वगैरह? वोटिंग हाँ हमने किया, वोटिंग बहुत शांतिपूर्ण ढंग चल रहा है और राष्ट्रवाद और सुरक्षा के मुद्दे पर हमने वोट डाला। राष्ट्रवाद सुरक्षा मेन मुद्दा है? मेन मुद्दा। बाकी महंगाई बेरोजगारी? महंगाई बेरोजगारी है हाँ। लेकिन सर पर जी 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 हाँ राष्ट्रवाद। देखिए सब सभी लोग उत्साह के साथ कर रहे हैं, कुछ युवा मतदाता भी, नाम बताइए। अमित कुमार सिंह। किस मुद्दे पर कर रहे हैं वोट? हम तो बीजेपी भाजपा से। योगी सरकार पसंद है आपको ना? हाँ पहले मतदान फिर जलपान, ठीक है। तो देखिए सब लोग कह रहे हैं 100% वोटिंग करिए, जैसे इन्होंने वोट किया हुआ है, क्योंकि आपका वोट सब बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप वोट करेंगे उसी हिसाब से जो है सक्षम सरकार आप चुन सकते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? राम कैलाश। राम कैलाश जी वोट कर दिया? हाँ जी। जरा उंगली दिखाइएगा सभी को। देखिए मतदाता जागरूक है, सुबह सुबह ग्रामीण इलाके में है और सभी लोग वोट करने जो है जा रहे हैं। किस मुद्दे पे चुन रहे सरकार? किसको चुनेंगे? कमल पे। देखिए सब सुबह सुबह निकल रहे हैं। योगी बाबा से खुश हैं आप? हाँ खुश हैं। अच्छा आप वोट कर चुके हैं? अच्छा आ जाइए। अच्छा तो आ जाइए, बोल दीजिएगा कुछ। आइए सुबह सुबह युवा मतदाता है। जी जी जी। तो इससे पहले आप वोट कर चुके होंगे एक बार? अभी नहीं, हाँ पहले कर चुके हैं। कर चुके हैं तो इस सुबह सुबह जा रहे हैं। जी जी। किस मुद्दे पे सरकार चुनेंगे? बस सही है मुद्दा, यही मीडिया। किसको कौन लग रहा है कि अभी बोलने के थोड़ा से नहीं है बोल, ठीक है, ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहते है ना, क्योंकि पब्लिक ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगता है छोटे लोगों को। नहीं नहीं ठीक है आप जो अपना आप गुप्त मतदान में विश्वास करते हैं। आप वोट कर चुके हैं? आइए थोड़ा बता दीजिए सब लोग वोट करने जाए। ठीक कट कर दीजिए। स्वागत है यूपी मांगे जवाब के हम फाइनल एपिसोड में एक तरह से कर सकते हैं, जहाँ पे निर्णायक मतदान करने के लिए मतदाता हमारे साथ हैं और इस समय हम लोग प्रयागराज के मुंगारी के एक बूथ पे खड़े हैं और हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ मतदाता हैं। इन्होंने देखिए सुबह सुबह मतदान किया हुआ है और आप लोगों के लिए प्रेरणा होनी चाहिए कि हम लोग सुबह सुबह मतदान करें और ज़रूर करें। कैसा लग रहा है वोट करके बाबा? अच्छा, जीतन बहादुर सिंह। ठीक है, सुबह सुबह कराए आप जलपान से पहले मतदान? तो किस मुद्दे पर दिया वोट? हम कमल फूल पर दिया। सरकार अच्छी लग रही है? अच्छा कर रहे हैं योगी बाबा, बिल्कुल। देखिए और कुछ लोगों से हम कोशिश करते हैं बात करने की। आपने वोट कर दिया था? अभी जा, सुबह सुबह आप जा रहे हैं? नाम बताइए। राजेश सिंह। राजेश जी मतलब कैसा माहौल, कैसा है, सब लोग वोट करने जा रहे हैं? हाँ सब हमारे यहाँ साथ वोट करने जा रहे हैं। किस मुद्दे पे रहेगा सरकार चुनेंगे? सरकार मतलब योगी बाबा चुनेंगे। हाँ
ठीक है, और कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। अभी मैं जैसे जैसे लोग आते जाएंगे तो मैं आपसे मिलवाता जाऊँगा। हाँ, कट कर। युवा मतदाताओं की हमेशा बात होती रहती है, इसमें एक युवा मतदाता है जो वोट करके आए हैं, अपना नाम बताइएगा। रुपेंद्र प्रताप सिंह, विकास पर वोट दिए हैं जी। तो क्या लगता है, सरकार फिर से रिपीट करेगी या बदलाव? सरकार फिर से आएगी, बदलाव नहीं आएगा। योगी जी हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आते रहेंगे। हम लोग विकास पे वोट दिए हैं, जाति पात वोट नहीं दिए हैं, विकास पे हमारा वोट गया है। यूथ है और इन्होंने अपने मुद्दे की बात रखी है, तो बाबा वोट कर दिया? हाँ हाँ। किसको दिया वोट? हम राष्ट्रीय लेवल पर दिए वोट। राष्ट्रीय लेवल पे? हाँ। कौन है राष्ट्रीय लेवल? राष्ट्रीय लेवल जो है सरकार चल रही है उसी पर। अच्छा है, देखिए हर तरह के मतदाता है और सब लोग खुश लग रहे हैं। ठीक है, खुल करके बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब कोई आपकी बार बीजेपी सरकार। देखिए सरकार तो आनी आनी है, ये तो ग्रांटेड है, ये तो ग्रांटेड है, आनी आनी है। चाहे जो कोई भी जोर लगा ले तो सरकार आनी आनी है। एक हम आपको मतलब सब जो आम मतदाता है हर वर्ग के मतदाताओं से बात करा रहे हैं, और देखिए जो रुझान फिलहाल यहाँ से दिखता जा रहा है, तो सब आप देख करके ये अंदाज लगा सकते हैं। सब जो BSF कराती थी, यही वो चुनाव है अगले पंचवर्ष में। BSF यहाँ पे लगी थी फोर्स, इस बार UP की पुलिस करा रही है चुनाव। इससे बड़ा विकास आप क्या देखेंगे? दंगा मुक्त है UP, दंगा मुक्त है। ये सामने प्रमाण है, आप गए होंगे बूथ पे, देखे होंगे कि पुलिस है, पुलिस सबका जवान कोई नहीं है। तो इससे क्या प्रमाण मिलता है कि UP दंगा मुक्त है? सामान्य मतदाता, छोटे लाल ग्राम मुंगाड़ी कोल आदिवासी कोल। क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार? बस BJP सरकार जगह खाए के देश है, वोट दे जाते ही बात खत्म। जो खाने के लिए दे रहा है उसी को वोट होगा, जो खाए के देश जो घर देते जो दुआर देते वोट देखे क्या वोट दे। देख रहे हैं अब हर मतदाता बोलने लगा है, खुल करके अपनी बात रख रहा है। तो इसी के साथ इस हाँ एक मतदाता और हमारे साथ है, नाम बताइए। सोना सिंह मेरा नाम है। इस बार मेरा पूरा गांव BJP योगी आदित्यनाथ के साथ है। क्यों है भाई? क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं और पढ़े लिखे हैं। अच्छा। अपना बहुमूल्य वोट BJP के साथ दिए, हिंदू तो जाग चुका है। अच्छा। UP में देखिए नया मुद्दा बताया, नाम बताइए। आलोक सिंह, वोट कार्ड वोट दे दिया? अभी नहीं दिन है। किस मुद्दे को लग रहा है इसकी? रोजगार का मुद्दा है, योगी जी का इस बार कार्यकाल भार करने का मौका देना है। हाँ। सारे नवयुवक दे रहे हैं मौका। नवयुवक ज्यादातर बोलते हैं रोजगार के मौके नहीं मिले हैं और ये सारे अब मौका मिलेगा ना तो तभी तो देंगे। जो कमी रह गई लग रहा है इस बार सरकार का पूरा करे। इधर आ जाइए भाई साहब, नाम बताइए। अरे आइए तो आइए आइए। हाँ, नाम बताइए। उत्तम कुमार। वोट दे दिया? जी हाँ। देखिए यूथ है, सब सुबह सुबह निकल करके सारे लोग वोट कर रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर सरकार चुनेगी? विकास मुद्दे पर। लग रहा है वर्तमान सरकार ठीक काम कर रही है या बदलाव? ठीक काम कर रही, बदलाव भी आएगा लगता है। चेंज होगा सरकार? नहीं, चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। तो अच्छा, आप नाम बताइए। जीतलाल पाल। जीतलाल जी, कैसा माहौल है? वोट कर दिया आपने? हाँ, वोट कर दिए, माहौल बढ़िया। सभी लोग सुबह सुबह वोट कर चुके हैं, सुबह के समय आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं सभी लोग। विकास की ओर हम वोट दिए हैं, जो सरकार विकास कर रही है उसी तरफ हम लोग वोट और करेगी। अभी कुछ विकास हुआ, फिर भी विकास होगा, इससे बढ़ के होगा, 5 साल में फिर विकास बदलाव होगा। रुझान है तो हमारे साथ बुजुर्ग मतदाता है, बड़े अनुभवी है, नाम बताइए। चंद्रबली सिंह। आपने तो कई सारे वोट डाले होंगे ना? हाँ। इस बार क्या लग रहा है चुनाव को इस बार? कैसे मतलब कैसे, क्या मुद्दे पर लग रहा है सरकार चुनी जाए? अरे मुद्दे पर, राष्ट्रहित के मुद्दे पर चुनना चाहिए सरकार को, वही वही लग रहा है। तो मतलब सरकार से संतुष्ट है या? बिल्कुल संतुष्ट है, 100%, 101%। एक बार दिखा दीजिएगा, सबसे अपील सब करें, अपील भाई, सब लोग करें वोट। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है ना, ठीक ठीक ठीक। देखिए हमने आपको युवा दिखाया, अनुभवी लोग को दिखाया, एकदम नए वोटर्स जो है उनको दिखाया, तो सबने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया है। हमारी अपील है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और अवश्य मतदान करें, शत प्रतिशत मतदान हो, ताकि एक स्वच्छ सुंदर सक्षम सरकार जो आपके विकास के लिए काम कर सके उसको करती जाए। और प्रकाश मिश्रा, जनमीडिया TV से सुरेंद्र बहादुर सिंह के साथ, धन्यवाद।